हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम्स। तो चलिए शुरू करते हैं 27 फरवरी 2020 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। नाबार्ड ने जम्मू एंड कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों के बुनियादी विकास के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो 400.64 करोड़ रुपये नाबार्ड ने जम्मू एंड कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी विकास के लिए मंजूर किए हैं, जिससे जम्मू एंड कश्मीर के ग्रामीण इलाकों में विकास के ढांचे को बढ़ावा मिलेगा और इस योजना से वहां के उस जिले के 86 गांवों के लगभग 3.5 लाख से ज़्यादा लोगों को इस योजना के तहत लाभ मिलने वाला है। बात करते हैं नाबार्ड के अध्यक्ष की, वो है हर्ष कुमार भनवाला और इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 2, किस रेस्टोरेंट ने मिल्कशेक में सबसे ज़्यादा वैरायटी होने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जीता? साउथ अफ्रीका की ये रेस्टोरेंट है, नाम है जिवसन गॉर्नेट बर्गर्स एंड रिब्सेस। इसके मेन्यू में टोटल 207 प्रकार के मिल्कशेक हैं। बात करते हैं साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति की, तो वो हैं सिरिल रामाफोसा। राजधानियाँ हैं केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लूमफोस्टीन। मुद्रा है साउथ अफ्रीकी रेंड। क्वेश्चन नंबर 3, किस देश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो मलेशिया के प्रधानमंत्री, नाम है महातीर मोहम्मद, इन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर और मुद्रा है मलेशियाई रिंगिट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। किसने खुले पानी में सबसे तेज तैरने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो 11 साल की जिया राय हैं, जिन्होंने 3 घंटे 27 मिनट और 30 सेकंड में 14 किलोमीटर तैरकर यह रिकॉर्ड बनाया है और ये किसी भी दिव्यांग द्वारा बनाया गया सबसे कम उम्र में रिकॉर्ड है और सबसे तेज तैराकी करने के लिए उन्होंने यह रिकॉर्ड बनाया है। इसके लिए जिया राय का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। भारतीय तैराकी संघ के अध्यक्ष ग्लेन सल्दानाहा, हेडक्वार्टर है अहमदाबाद गुजरात और जिसकी स्थापना हुई थी 1948 में। क्वेश्चन नंबर 5, किस फिल्म को दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स 2020 का बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है? तो ये फिल्म है सुपर 30। और इसके साथ ही जब हम लोग बात करते हैं कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला, तो वो है ऋतिक रोशन। सुपर 30 के फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जीता है। वहीं बेस्ट टीवी सीरीज में है कुमकुम भाग्य, बेस्ट रियलिटी शोज में है बिग बॉस 13 और बेस्ट एक्ट्रेस इन टीवी सीरीज में है दिव्यांका त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 6 है, मिस दीवा यूनिवर्स 2020 का ताज किसने जीता? तो इनका नाम है एडलिन कैस्ट्रोलिनो, जो कि कर्नाटक मैंगलोर की रहने वाली हैं और इन्होंने लीवा मिस दीवा यूनिवर्स 2020 का खिताब जीत लिया है। वहीं लीवा मिस दीवा सुपर नेशनल 2020 का खिताब जीता है आवर्ती चौधरी ने, जो मध्य प्रदेश जबलपुर से हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। हाल ही में किस पूर्व लोकसभा सांसद का निधन हो गया है? तो इनका नाम है कृष्णा बोस और वे नेताजी रिसर्च ब्यूरो की अध्यक्ष भी रह चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 8, किसने डेथ एंड इनसाइड स्टोरी पुस्तक का विमोचन किया है? तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। ये पुस्तक जग्गी वासुदेव द्वारा लिखा गया है, जो ईसा फाउंडेशन के संस्थापक भी हैं और सदगुरु के नाम से प्रसिद्ध है। पुस्तक का पूरा नाम है डेथ एंड इनसाइड स्टोरी, अ बुक फॉर ऑल दोज हु सेल। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। कौन देश 2022 की राष्ट्रमंडल निशानेबाजी और तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा? तो इसका सही उत्तर है भारत। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।